स्टार्ट ड्रेस अभी ये जाएगा हमारा, फेंका जाएगा। ऐसे लोगों को सड़कों पे ड्रेस मिलेंगे तो क्या किसी को ईद की शॉपिंग करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। किसने जाना? फातिमा फैसल के मोहल्ले आए, वहाँ पे आपको गिरे हुए कपड़े मिलेंगे। हाय अल्लाह, व्हाट इज दिस रबे, तुमने मोबाइल एक्सेसरीज की सेल लगाई हुई क्या? बहुत साल पहले ना इसमें एक विश लिखी थी तो मैं अब वो निकाल रही हूँ। सो फाइनली राबिया की विश पता चल चुकी है क्योंकि इसकी वो जो डिबिया थी वो खुल चुकी है। ऊपर बालों को कर लो ना सबको। Assalamualaikum everyone, welcome to astrology. This is me, your one and only Iqra Qawwal. Welcome to another vlog. आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह उठते साथ आज के व्लॉग में मेकअप कौन करता है? भाई मैं करती हूँ मेकअप, बीइंग अ गर्ल। आपको पता है जब आपको कोई शूट हो, आपको जो है वो कोई ड्रेसेस में लुक जनरेट करनी हो तो आप यही करते हो। मेरा सारा कॉम्पैक्ट जो है ना वो टूट गया, ये हर लड़की के साथ होता है। मेकअप बड़ी सेंसिटिव चीज है, इनू प्यार नाल इस्तेमाल करिए, अगर नहीं तो टूट जाना। लड़की भी बहुत सेंसिटिव चीज है। दिस ग्लिटर और नॉट आ रही हूँ मैं ट्रांजिशन देखने क्योंकि आज मैंने ट्रांजिशन वीडियो बनानी हूँ। ठीक ठीक ठीक। सो गाइस ये थे मेरे तीन आउटफिट जो कि अभी मैं पहनूंगी। ये मैंने जूते निकाल के रख लिए अपने तीन लुक के साथ, तीन जूते। बिल्कुल, ये मेरी बहन आज ये हरकतें कर रही है। पेपर में पांच छुट्टी, ये अभी देखना दो दिन गुजर गए हैं तुम्हारे, सोच रही हो? नहीं, दो दिन नहीं गुजरे, एक दिन गुजरा, अभी चार, ये दूसरा दिन है। आज पढ़ूंगी, कल पढ़ूंगी, परसों पढ़ूंगी, चौथ पढ़ूंगी, चौथ पढ़ूंगी, फिर चौथ। फिर तुम्हारा पेपर खराब हुआ, फिर तुम्हें मसले होंगे। नहीं, पेपर अच्छा होगा, बायो का अच्छा ही होगा। आई मेकअप किया, ग्लिटर लगाया, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा लग रहा है वैसे, पता कल मैंने इसी टाइप का किया था, ऊपर ये लगा के लाइनर। मैंने तो इंस्टाग्राम कॉपी, मैंने किसी को ना हैक देखा ऐसे ऐसे करके। मैं आपको ट्यूटोरियल भी दिखाऊंगी लेकिन अभी मैं पंगे ले रही थी इसलिए मैं नहीं दिखा सकी, लेकिन अब मुझे इंतजार कर रही हूँ मैं वीडियो। वैसे इस तरह का लाइनर मैंने शाम की फटी है, बालों पे ले रही हूँ पंगे क्योंकि वैसे ना करो जल जाएंगे बाल। हैं? हाँ देखो ये साइड अच्छी लग रही थी, ये वाली तो आपने ऐसे पकड़ा उल्टा कर लिया, इसको मैंने गोल घुमाया और फिर मैंने इसको ऐसे कर डल तो गया। ये देख, ये इसको कर्ल नहीं कहते, इसको एक बल कहते हैं। सुना जी, अब ये राबिया बाजी जो है ना वो मेरे सर पे जो है ना वो एक्सपेरिमेंट कर रही है मेरे बालों पे। अल्लाह करे अच्छा हो। दिखाओ, मुंह पे ना लगा देना मेरे। तो हम हमेशा अपना कोई काम खराब कर लेते हैं तो हम किसी एक्सपर्ट के पास आते हैं। सो आई हैव एन एक्सपर्ट टू, हीरा फैसल, वन एंड ओनली, जो मेकअप और ये चीज़ों की बहुत एक्सपर्ट है। तो अब मैं उसी के पास अपने बाल बनवाने आई हूँ, अब उसी से बाल बनवाऊंगी। हम इसको कैसे गए कि ऊपर करो? ऊपर क्या करूँ? ऊपर बालों को कर लो ना सबको। अरे अल्लाह, ये टोटका हम लोगों ने सीख लिया। ओए वाकई कितने बाउंसी बाल हो गए, नाइस। मेरी बहन ने देखे मेरे बालों को कितना संवार के प्यारा कर दिया। ये है मेरी फुल लुक जिसके साथ मैंने ये मैच किया था। ये मेरी मैक्सिस है विद दिस हील और हील के साथ मैंने ये चीजें मैच की थी। डिफरेंट है इयररिंग्स, डिफरेंट है ना? इयररिंग्स आपके डिफरेंट है? डिफरेंट नहीं है, एक ही हैं वो। अच्छा, मुड़ जाते हैं बेचारे। वैसे बताएं कमेंट बॉक्स में कि मैं कैसी लग रही हूँ। दिस इज माय फर्स्ट लुक। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे जो वीडियोग्राफर साहब जो है ना वो बड़ी, ये बिल्कुल आज आपने पोनी नहीं हिलानी। क्योंकि आप लेट आए हैं, ये आपकी पनिश है। नहीं नहीं नहीं, आप भी का भी हो रहा है शूट और ये है हमारे फोटोग्राफर्स और ये है आप भी, बड़ी गंदी बच्ची है ये। सो गाइस, दिस इज माय सेकंड लुक। ये मेरे शूज एंड इसके साथ मैंने बाल बांधे हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट ड्रेस विद दिस इयररिंग्स एंड दिस शूज एंड ये है मेरी लुक। चलें जी, हमारी फातिमा भी रानी तैयार होके आ गई है हीरोइन बनके, जिंक पिंक आज इसने। मेरे ब्यूटी शॉट्स पहले करें, इनका पहले, मैं पहले आई हूँ ना, पहले आए, पहले ये लेट आई है। चलें जी, अब मेरे ब्यूटी शॉट्स की बारी, चश्मा देते यार फातिमा, तेरी बहनों की तरह। ओहो यार फातिमा, तेरे क्लिक बहुत अच्छा आया, अगर मैं पिक्चर लूँ तो। और उसको देखना जरा दूसरों के घरों पे कैसे पहले दे रही है।
भाई अल्लाह आपको मैं दिखा दूँ कि ये जूतों की आदत, मेरे देखे पैरों पे जूते लग लग के बेचारा पाँव मेरा जख्मी हो गया। और ये अब चाहिए फातिमा को ग्लासेस। मैं अपनी इस लुक को मिस करूँगी क्योंकि आई हैव टू चेंज और लाइट जा रही है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरी तीनों लुक्स में से कौन सी लुक आपको सबसे अच्छी लगी। अभी तो दो हुई हैं, तीसरी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये नंगे पाँव खड़े होकर ना पिक्चर्स बनवा रही हूँ और ये औरत मुझे कह रही है कि अगर मेरी लाइट चली गई ना तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। Still I'm very confused what to wear, what to not. हीरा बताओ, हीरा मुझे suggest करेगी कि ये earrings अच्छे लगेंगे इसके साथ। अगर तुम ये येलो वाली जैकेट नहीं ना पहनती हो फिर अच्छे लगेंगे ये येलो वाले। हाँ मैं पता क्या करती हूँ, पहले इसमें शूट करवा लेती हूँ पटक पटक पटक, नहीं फिर ब्लू जैकेट पहन के ये पहन लूंगी। सही, ब्लू ब्लू अच्छे लगेंगे, ब्लू उसके साथ जा रहे हैं क्योंकि ब्लू कलर भी कहीं कहीं पे है ना, ब्लू अच्छा। Okay, so I'll go with blue. ये मेरी अम्मा जो है ना वो हमें शूट पे जाता छोड़ के खुद अब्बा के साथ कहीं रफू चक्कर होने लगी है। कहाँ जा रही हैं आप? फालसा लेने। फालसा लेने और डैडी को साथ लेके। ओके ठीक है जी, बाय बाय। मानो के बगैर आज जा रहे हैं, मानो नहीं जाएगी, मानो पाओ ना आ जाए नीचे। आओ अब मेरी फुल लुक दिखाओ, तीसरी लुक, तीसरी लुक। दिस इज माय थर्ड लुक एंड माय, मुझे आपके फर्स्ट और सेकंड लुक भूल ही गई। अब हमारे मेरे से चला नहीं जा रहा बिल्कुल, इतनी लंबी हील पहन के और हमारी चेयर की प्लेसमेंट चेंज हो रही है क्योंकि लाइट जो है वो जा चुकी है। सूरज बाबा ने बोला कि भाई बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़, मेरी तरह जैसे मैं व्लॉग खत्म करने के बाद बोलती हूँ ना, सूरज ने मुझे अभी बोल दिया। तो अब मैं जगह ढूंढने जा रही हूँ जहाँ पे सूरज की थोड़ी सी आँख खुली हो तो वहाँ पे जाके मैं शूट करूँगी। और ये सबसे बड़ा मसला होता है कि आप स्टार्ट तो कर लेते हो बट यू कांट एंड इट ऑन टाइम। अल्लाह बस मैं इससे सेफली पहुँच जाऊँ क्योंकि मैं आपको इसकी हील की शक्ल दिखाऊँ ना, ये मुझे बिल्कुल मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही और मैं बहुत संभाल के चल रही हूँ। मैं एक दो दफ़ा हील की वजह से गिरी भी हुई हूँ। मैं वो बच्ची हूँ जो फ्लैट्स में परफेक्ट रहती हूँ, हील में लुढ़क जाती हूँ। बहुत सी लड़कियों के साथ ये होता है। जलवा फैशन का है ये, जलवा फैशन का है ये, जलवा इसे जान छुड़वाना ही नहीं। इधर आओ वापस, BTS कौन बनाएगा तुम? मुझे पता है तुम ज्यादा अपनाए, मैंने देखो जाके, मुझे पता है तुम थ्रू आउट बना रही हो लेकिन मुझे अभी भी जरूरत है ये वाला। आपके And this is me, जो कब से अब मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरी हालत भी आप देख लें, आप ही की थ्री, चले मैं दिखाती हूँ। मेरी थ्री ट्रांजिशन हुई है, पहले मैं फ्रेश थी, उसके बाद मैं थोड़ा नॉर्मल फ्रेश थी, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डल हो गई। तो अब मैं फातिमा की लुक दिखाती हूँ। ये है प्यारी सी फातिमा की लुक, जिस पर फातिमा काफ़ी क्यूट लग रही है ना फातिमा में लेना। ये मजदूर जा रहा है और ये मजदूर अपनी ट्रांजिशन बना रहा है और ये बहुत प्यारा लग रहा है कलर फातिमा, शॉकिंग पिंक। यही मैं तुझे कह रही थी कि ईद पे बनवा ले। आप लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करूंगी कि डार्क कलर पहनिएगा ईद पे क्योंकि बहुत प्यारा लगेगा। ये देखें इसकी ट्रांजिशन कैसे बनेगी लड़की। नहीं क्या कह रही हो, तुमने कहा ये पकड़ाना, अच्छा ड्रेस गिराना इसने, वो मैंने पकड़ना है। मैं इतनी लंबी हील पहन के तुम्हारा ड्रेस पकड़ूंगी? चलो आ तो नहीं ना रही, मैं नहीं ना आ रही, मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं नहीं आती कहीं पे। दबंग लग रही हूँ इस वक्त। नीचे गोल्डन हील भी अच्छी लग रही है विद दिस, बट पिंक कलर इज सो 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 लिथल। वन नहीं नहीं दोबारा, ये देखें इसने ये ड्रेस फेंकना था ओला एनू, हूँ मैंने उठाना है। मैं आ गई हूँ, नहीं आओगी अगर पीछे जाऊंगी। अच्छा यार मेरे साथ प्रैंक, मतलब क्या है यार, क्या कर रही हूँ मैं यहाँ, कुछ खराबी नहीं आई। 1 2 3 स्टार्ट। ड्रेस अभी ये जाएगा हमारा, फेंका जाएगा। ऐसे लोगों को सड़कों पे ड्रेस मिलेंगे तो क्या किसी को ईद की शॉपिंग करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, किसने जाना? फातिमा फैसल के मोहल्ले आए, वहाँ पे आपको गिरे हुए कपड़े मिलेंगे। अब ये मुझे उठाने की ड्यूटी लगाई है, बड़ी बहन को लगाया हुआ है। कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहनें मेरे बड़े काम आती हैं, अम्मा भी हमारी आ रही हैं और मैं ये आप क्या लेके आई भी, आप बाहर गई थी? वाओ मेरी अम्मा लेकर आई हैं गमा गम गमा गम जलेबी, ये वो जलेबी जो बिल्कुल सीधी होती है, मेरी मम्मा भी बिल्कुल सीधी हो रही हैं। ये देखें मैं अब आपको एक व्यू दिखाती हूँ। ओहो सूरज भाई चले गए हैं, वरना मैंने आपको इसके अंदर सूरज को कैद करके दिखाना था, वो सड़क पे अभी भी पड़ा क्योंकि इस बच्ची ने रीटेक दी। कैसा लग रहा है शूट करके? थक गई हूँ।
मैं जहाँ भी वीडियो पोस्ट करती हूँ ना, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, तो हर कोई कमेंट में पूछना शुरू हो जाता है कि आपकी चलाकियों वाली वीडियो कब आ रही है, नहीं कब आ रही है, कब आ रही है। तो मैं इधर से आपको बता देती हूँ, मेरा मैसेज ये है कि मैं बस ना कुछ ब्रांडिंग में स्टक थी, सो दैट्स व्हाई मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, बना रही थी, बट दो तीन दिन के अंदर अंदर ही ना फातिमा और उसकी चलाकियों के चैनल पे ना मेरी नई यूट्यूब वीडियो आ जाएगी, तो लाइक कर देना। मैं भी बहुत वेट कर रही हूँ उसके लड़के वाली वीडियो देखने। लड़कों वाली बना रही है ना, ऊपर से गर्मी इतनी होती है ना, तो बस थोड़ा सा हार्ड वर्क चल रहा है। यहाँ ये बहुत खूबसूरत लड़की लग रही है, लेकिन अपने चैनल पे बहुत क्यूट लड़का होती है। इधर क्यों बैठ गई हो तुम? मेरे पाँव इधर, ये देखो, ये हील्स ना सिर्फ देखने के लिए ही होती है, रियल में तो पैर तोड़ देती है। इसने मेरा सही BTS तो नहीं लिया, मैंने आज सारा कैमरा चेक किया। कभी शुक्रिया ना अदा करना। जिंदगी चल तेरा शुक्रिया। मेरे बालों में बम फट गया। और मैं आपको दिखाती हूँ कि राबिया जो है ना, वो अपने कमरे की सफाई करी है, उसने सारी चीजें यहाँ पे हैंग कर दी है प्यारे बच्चों की तरह। हाय अल्लाह, व्हाट इज दिस राबिया, तुमने मोबाइल एक्सेसरीज की सेल लगाई हुई क्या? ये बुक्स अपनी साइड पे लगा, शौक है तुम्हें पता राबिया, मैंने भी ये बुक पढ़ी थी। आई लव कवर्स। औरत जो है ना वो ये क्या मिख निकाल रही हो हड्डी में से? क्या मिख निकाल रही हो हड्डी में से? समझ नहीं आ रही, करना चला है इन्होंने। बहुत साल पहले ना इसमें एक विश लिखी थी, तो मैं वो निकाल रही हूँ। ये मैं न्यू विश क्रिएट कर, मैं देखना कि मेरी वो विश पूरी हुई है कि नहीं हुई। अभी इसकी विश बॉक्स, अब मैं दिखाती हूँ क्या विश थी वो। ये बहुत स्पीकर ऊंचा करके बोल रही है, मतलब बेवकूफ औरत पागल। सो फाइनली राबिया की विश पता चल चुकी है, क्योंकि इसकी वो जो डिबिया थी वो खुल चुकी है, और राबिया की विश क्या है ये हम राबिया के पास जाके देखते हैं। राबिया शो मी योर विश। 4 साल पहले मैंने इसमें विश डाली थी कि वन डे आई विल बी फेमस एंड सेलिब्रिटी एंड आई विल बी बिग सेलिब्रिटी एंड फेमस। और आज पूरी हो गई है भाई। तो प्लीज अगर आप लोगों को किसी चीज की ख्वाहिश है, तो एक डब्बी पकड़े और उसमें अपनी ख्वाहिशात लिख के बंद कर दें, और उसके बाद 4 साल बाद उसको खोल के देखें, मेहनत भी कर लें साथ, तो आपकी ख्वाहिशात पूरी होगी, राबिया बाबा कहती है। आप लोग सोचोगे कि आप लोगों की स्क्रीन का या आप लोगों के मोबाइल का या आप लोगों के टेलीविजन का वॉल्यूम खत्म हो गया? नहीं भाई, नेट भी नहीं स्लो हुआ, मैं म्यूट पे थी। क्या बोंगी थी, दुनिया की सबसे बड़ी तरीन बोंगी, मतलब क्या मतलब ये कि मैं म्यूट पे थी। सो गाइस, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय। इग्नोर टू कलर किसने किया है वो।